हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अब हम लोग रेडी है जाने के लिए कहाँ? भरकेश्वर महादेव बीच, जो बीच के किनारे है, ऑलमोस्ट मतलब आधे बीच में। उसके बाद फिर हम लोग बीच के किनारे जाएंगे, फिर आज जाएंगे हम लोग शॉपिंग करने। यहाँ मेरी मम्मी भी रेडी होकर बैठी हुई है, मेरा बेटा भी रेडी हो गया है, बस इसके पापा रेडी नहीं हुए हैं। मैं सबसे पहले रेडी हो गई हूँ, अब वो रेडी हो जाते हैं, फिर निकलते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को कि हम लोग क्या क्या करते हैं। और इधर आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश हो रही है, देख सकते हो बारिश की बूंदें आ रही है फेस पे, बहुत ही अच्छा मौसम है। मैं देखो बारिश हो रही है। ये भी रेडी होके आ गए हैं, देख लीजिए कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है मुन्नू पापा? अच्छा, हीरो लग रहे हैं, हीरो। हाँ, बढ़िया। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? भरकेश्वर महादेव। भरकेश्वर हम लोग निकल गए हैं। झगड़ा करते रहते हैं ये मम्मी से, झगड़ा करता है बताइए। हाँ। गंदा बच्चा हो गया ये। गंदा नहीं, देखिए लगता है इसकी बहन बहन की तरह लड़ता है मेरे से। हम लोग आते हैं भरकेश्वर महादेव। वाओ, क्या व्यू है यार, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। चारों तरफ समंदर ही समंदर है और महादेव है वो। देखो महादेव, समुद्र के किनारे झालमुड़ी खाने का मजा ही अलग होता है, चाहे सुबह हो या शाम। कैसा बनाते हो भैया? 30 रुपए 40 रुपए 30 रुपए। चार, मतलब टेस्ट कैसा देते हो? टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, वो खाने के बाद पता चलेगा। ये तो बात सही है आपकी। कैसा बना है? अच्छा है, बहुत टेस्टी। तू भी सिर्फ एक्स्ट्रा दे दे। देखो यार क्या मस्त जगह है। अभी वो मुड़ी वाले ने बोला है कि नीचे नहीं जाने का, नीचे नहीं जाने देते, बहुत गहरा है। ये देखो लहरें, देखो का मंदिर। अभी हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर। हम लोग आ गए महादेव के मंदिर में, अंदर ही देखिए महादेव। हम आगे ब्रेकफास्ट के लिए और आगे हम लोग खा रहे हैं गुजराती थाली। आप देख सकते हो कितनी क्या गुजराती थाली हम लोगों का। हम लोग खा लिए हैं, अब हम लोग वेट कर रहे हैं अपने कार का। बाहर बहुत बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो हम लोग इधर साइड में खड़े हैं। कहाँ आ गई मेरी गाड़ी? तो हम लोग आ गए हैं वापस होटल में, बिकॉज बाहर बहुत जोरों की बारिश होने लगी है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर बाद यानी शाम को जाएंगे, ब्रेकफास्ट करके हम लोग आ गए हैं होटल भरकेश्वर महादेव एंड वो बीच घूम करके फिलहाल आ गए हैं। बाहर बहुत जोर की बारिश होने लगी, अदरवाइज फिर हम लोग को थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे ना, कुछ लेना है भाई बहन भाभी के लिए, तो वो सब लेना है, खुद के लिए भी लेना है। एंड शाम को जाएंगे द्वारकाधीश की आरती देखने के लिए। शाम की आरती हम लोगों ने मिस कर दी थी कल, आरती और लाइटिंग, तो ये हम कल आज शाम को ही जाएंगे देखने। और एक बीच है
टाइम मिला तो उधर भी जाएंगे, अगर टाइम मिल गया तो उधर टाइम स्पेंड करने थोड़ी से जाएंगे, 7:30 बजे से पहले ही जाएंगे उधर। तो अगर बारिश छूटती है तो निकल जाएंगे, निकलते हैं तो फिर आपको उधर मिलते हैं आपसे। लोग आ गए हैं बीच पे, वहाँ पे भी बीच था, बीच था लेकिन वहाँ हम लोग पानी में नहीं जा पाए थे। यहाँ पे हम लोग जाएंगे बीच के अंदर, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा अंदर जाएंगे। वो तो गया पानी में, कुछ नहीं रहा यार, देख कर के आई हूँ पानी में खींच करके। मम्मी टी शर्ट बोल गया पहले, ये देखो इन लोगों को पानी में एंजॉय करते हुए। अभी हम लोग जा रहे हैं द्वारका धीश की आरती देखने, और अभी हम लोग करना है शॉपिंग। आप लोग इधर का मार्केट है चाय शॉप, यहाँ पे सिर्फ घाघरा चोली है। ज्वेलरी शॉप है यहाँ, तो ज्वेलरी सारा मार्केट इतना रहता है, मार्केटिंग करेंगे। मार्केट है कुछ कलश यात्रा है, बहुत ज़्यादा है, घूमते 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 गोमती घाट फिर से आ गए हम लोग शॉपिंग करने। गाइस शॉपिंग करने, गाइस अभी कुछ कुछ शॉपिंग हो गया है। द्वारकाधीश का झंडा चेंज हो रहा है, मोनू हो गया चेंज, देखो खोल दिया, बाल बंधा हुआ रहता है, जाता है वो डंडा फंसाता है और खोल देता है। जय द्वारका जी, देखो हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, ये द्वारकाधीश का मंदिर, और ये हुआ है जस्ट अभी झंडा चेंज, सॉरी इसको झंडा नहीं बोलते, इसको ध्वजा बोलते हैं। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं वहाँ द्वारकाधीश का ध्वजा चेंज हुआ है, एक दिन में 5 बार चेंज होता है ये ध्वजा। नहीं पानी आएगा ऊपर, हम लोग फिर से आगे गोमती घाट। कल सुबह आए थे तो पानी इतना नहीं था, अभी पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, देख सकते हो ये गोमती घाट, वहाँ है समुद्र, और अभी पानी का लेवल देखो कितना ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा। ये है दुर्वासा मुनि का कुंड, हम लोग यहाँ से आए शॉपिंग करने, अभी यहीं पे रुके हुए हैं, क्योंकि हम लोगों का शॉपिंग हो गया।